गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। यह वीडियो हालांकि 10th क्लास के बच्चों के लिए हैं, बट ऐसे हर कोई विद्यार्थी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जिन्हें रियल नंबर्स के बारे में अच्छी जानकारी अब तक ना मिली हो। तो हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे वास्तविक संख्याओं से जुड़ी हुई एक एक बातें। चलिए तो शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह, ये सब प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसका अंग्रेजी नेचुरल नंबर्स होता है, इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। चलिए, तो काउंटिंग नंबर्स को हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये सब काउंटिंग नंबर्स है। लाइक दिस, हमें किसी फील्ड में जमा बच्चों को गिनना होता है तो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 करके गिनती करते हैं और बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे अभी 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो गिनती एक से शुरू होती है, ये अंत कहाँ होगी ये सिचुएशन पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसमें अनगिनत संख्याएँ हैं। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएँ, प्राकृत संख्याओं में शून्य यानी जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या समझ गए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस इसके शुरू में जीरो डाल दीजिए, जीरो डाल दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह, ये सब आपका पूर्ण संख्या हो गया। इसको होल नंबर्स बोला जाता है, इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं। चलिए, थर्ड वाला पॉइंट है आपका इंटीजर्स। अब हम लोग जानेंगे इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक किसको बोलेंगे। सभी प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं तथा शून्य को एक साथ सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक को प्यारे बच्चों हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं, आई से भी सूचित करते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आपका प्राकृत संख्या हो गया। -1, -2, -3, -4 ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो गया, और 0, ये तीनों को मिला दीजिए, सम्मिलित कर दीजिए, तो जितना संख्या आपको प्राप्त हुआ ये सारा का सारा संख्या जो है आपका इंटीजर्स है या पूर्णांक है। इसमें भी अनगिनत संख्या है, इसमें भी अनंत संख्या है। ठीक है, चलिए चौथा है आज के लिए टॉपिक, परिमेय संख्याएं, इसको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखिए, पूर्णांक तो अभी आप समझ ही गए हैं, इसमें से कुछ भी रह सकता है पी और क्यू के जगह, ये सब पूर्णांक है, इसमें से कुछ भी रह सकता है पी और क्यू के जगह। लेकिन एक कंडीशन और है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बाटा के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। बाटा के ऊपर पी के जगह जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू के जगह जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि बाटा के नीचे जीरो हो जाएगा तो वह अपरिभाषित का केस हो जाता है, नॉट डिफाइंड का केस बन जाता है। जैसे 3/4 यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह पी बटा क्यू के रूप में है, पी भी और क्यू भी दोनों आपका क्या है, तो पूर्णांक है। -5/7 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। 0 भी परिमेय संख्या है, कैसे, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। 5 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा टॉपिक है प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का होगा। बच्चों, अगर परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या आपको मिलेगा उसको अगर दशमलव के रूप में भेजोगे ना, तो वह दो प्रकार का हो सकता है। एक तो शांत, जिसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे 123/125, अभी इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे, और दूसरा अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 11/3। अब हम बताते हैं आपको ये शांत क्या होता है और ये अशांत क्या होता है, तो चलिए इस पे हम लोग अच्छा से अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में आप प्रसारित करेंगे, निरूपित करेंगे, भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपके पास दो प्रकार का सिचुएशन हो सकता है, तीसरा कुछ भी नहीं। या तो
उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी भाग दीजिएगा हर से अंश में तो वह पूरा पूरा कट जाएगा। देखो शांत का मतलब पूरा पूरा कट जाए, चाहे दशमलव के एक अंक बाद कट जाए, दो अंक बाद कट जाए, तीन अंक बाद कट जाए, चार अंक बाद कट जाए, महाराज कट जाना चाहिए, शेषफल जीरो हो जाना चाहिए, बस ऐसे कह देते हैं। और अशांत आवर्ती में क्या होता है कि आप भाग देते जाइए लेकिन वो कभी भी नहीं कटेगा और कुछ अंक आपका रिपीट होगा, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको बोलते हैं। ना तो ये पूरा भाग समाप्त होगा इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और रिपीटिंग कुछ अंक आपका रिपीट भी होगा। चलिए तो इसको हम लोग भाग देकर आपको समझाते हैं कि शांत का मतलब जो होता है कि पूरा पूरा कटना चाहिए, और अशांत का मतलब कि पूरा कटेगा भी नहीं और कुछ अंक रिपीट भी होगा। तो देखिए यहाँ शांत का उदाहरण में लिखा हुआ 123/125, अगर हम 125 से 123 में भाग लगाएंगे तो गारंटी है कि यह शांत का उदाहरण है तो पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए तो हम लोग 125 से 123 में भाग देते हैं, 125 से 123 में भाग देते हैं। प्यारे बच्चों 125 से 123 में भाग तो लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव देकर यहाँ पर एक जीरो देकर इसको बढ़ाते हैं। अब यह 1230 हो गया, अब 125 से 1230 में हम भाग लगा सकते हैं, तो यह 9 बार में लगता है। 125 में 9 से गुना करिएगा तो 100 नमाई 900 और 25 नमाई 225, 9 दू 1125 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 1125 डाल दीजिए। अब 10 में से 5 घट गया तो यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर 2 में से 2 घट गया तो यहाँ पर 0 बच गया, और यहाँ पर 2 में से 1 घट गया 1, यहाँ 1 में से घट गया तो 0 हो गया 105। अब एक बार जब दशमलव दे दिए है तो एक जीरो आप देते जा सकते हैं, 1050 है ये, तो 125 से आप 8 बार में लगाओगे ना तो 108, 800 और 25, 200 तो 800 और 200 1000, ठीक है बउआ। अब जब 1050 में से 1000 घटाइएगा, 1050 में 1000 घटाइएगा तो सीधा सीधी 50, और जब दशमलव दे चुके हैं तो एक जीरो आप दे ही सकते हैं। अब 125 से 500 पूरा पूरा कट जाता है, 100 चौक 400, 25 चौक 100, यानी 4 बार में आपका ये 500 आ जाएगा, 125 चौका 500, 500 में 500 घट गया जीरो, जीरो से आने का मतलब है कि यह शांत है, पूरा पूरा विभाजित हो गया है दशमलव के 3 अंकों के बाद। भले दशमलव के 2 अंक बाद कर जाए, 3 अंक बाद कर जाए, 4 अंक बाद कर जाए, बट पूरा पूरा कटेगा तब वो शांत दशमलव के अंतर्गत आता है। अब हम अशांत का उदाहरण जरा देखिए, यहाँ अशांत आवर्ती में 11/3 लिखा हुआ है, इसका आंसर है 3.6 पर रेकूलिंग दिया गया है, तो यह कैसे होगा समझिएगा, 11/3 को भी भाग देकर हम समझा देते हैं। चलिए तो 11/3 यह मैथ में क्या है बउआ, तो अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है ये, ठीक है। तो इसका मतलब जब 3 से 11 में हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कभी भी नहीं कटेगा, नामे अशांत है, ये शांत होने वाला थोड़े ना है, ये कटते जाएगा, भाग लगते जाएगा लेकिन कटने का नाम नहीं लेगा। 3 तिहाई 9, 11 में से 9 घटाइएगा 2, और अब तो 3 से 2 में नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 दशमलव दे करके यहाँ पर एक जीरो दे दीजिए। 3 6 18, 20 में से 18 घट गया 2, फिर से एक जीरो दीजिए। 3 6 18, 20 में से 18 घटेगा 2, फिर से जीरो दीजिए। 3 6 18, अब देखिए आपको पता तो चल गया होगा, ये तो 6 6 6 आ ही रहा है, इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि 11/3 जो है वह आपका क्या बोलते हैं 3.6 पर, इसको रेकूलिंग पढ़ते हैं, इसका मतलब हुआ कि जब 3 से 11 को भाग देंगे ना तो 3.66 बार बार आता रहेगा, अनंत बार आता रहेगा, इसीलिए इसका नाम है अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट होने वाला, ये 6 6 रिपीट हो रहा है, और अशांत का मतलब जो कहियो न कटे, तो ना कटा, तो समझ में आई होप आ गया होगा आपको कि शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद
कट जाए, यानी कि वहाँ पर शेष फल जीरो आना चाहिए। ये शांत का पहचान है कि भाग देने पर शेष जीरो आना चाहिए। और अशांत आवर्ती का मतलब है कि कितना भी भाग दे लो, कितना भी भाग दे लो, लेकिन 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 कभी भी कटेगा नहीं, नाम ही है भैया अशांत। चलो तो ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। आगे बढ़ते हैं, छठा टॉपिक में आ जाइए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर्स अंग्रेजी होता है। वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, जहां पी की पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच बटा तीन, माइनस में रूट सात बटा दो, इस सब का सब अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि न तो रूट दो पूर्णांक है, न तो रूट तीन पूर्णांक है, न तो रूट पाँच पूर्णांक है, न तो रूट सात पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक के बारे में अभी अभी हम आपको बता चुके हैं। तो ये सब कोई भी आपका क्या बोलते हैं, कोई भी ये उदाहरण जो है वह सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो आप दूसरे शब्द में कहिए, जहाँ पे रूट का झंझट रहेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए रूट पाँच है तो अब तो रूट यहाँ से हटेगा नहीं, रूट तीन है तो यहाँ से रूट हटेगा नहीं। हाँ, इसी जगह अगर ऐसा हो जाए प्यारे बच्चों कि रूट में 16, तब तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 4 × 4 लिख सकते हैं और 4 के पेयर में से एक बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ रूट खत्म हो सकता है, तो इसलिए रूट में 16 आपका परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इसी में रूट में अगर 15 होगा तब यह अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसको हम रूट खत्म नहीं कर सकते हैं। तो मोटा मोटी याद रखिए, रूट खत्म हो जाए तो परिमेय संख्या, रूट खत्म ना हो तो अपरिमेय संख्या। इतना याद रखिएगा, अभी तो काम चलेगा, ऐसे आपका परिभाषा ऐसा होता है। अब है 7वां नंबर टॉपिक आज के लिए, ये देखते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या को जब दशमलव के रूप में भेजिएगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा और अनावर्ती। अशांत का मतलब जो कभी न कटे, और अनावर्ती का मतलब अनाप शनाप अंक आते रहेगा, कोई अंक रिपीट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, कुछ भी आते रहेगा। जैसे रूट दो है तो इस दो का वर्गमूल निकालिएगा तो 1.414213 इस तरह से कोई फिक्स अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनावर्ती कहते हैं, नॉन रिपीटिंग, कोई अंक रिपीट नहीं होगा और कटेगा भी नहीं, इसीलिए अशांत कहते हैं। रूट तीन का वैल्यू निकालिएगा तो 1.73205080, अब डॉट डॉट किया हुआ है, मतलब अशांत। जब यहाँ पे अशांत लिखा हुआ है ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पाई भी अपरिमेय संख्या है। बार बार मैट्रिक की परीक्षा में पूछता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो जवाब है अपरिमेय संख्या। इसका वैल्यू होता है 3.14159265 वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए टॉपिक नंबर 8 है वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है, आ जाइए उस पर। रियल नंबर्स बोलते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ मिला दीजिए, बुआ फेंट दीजिए दोनों को, साथ लेने पर संख्याओं का जो संग्रह प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। अर्थात वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय संख्याएं होंगी या तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। मतलब जो भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, 3/4 परिमेय संख्या है तो ये रियल नंबर है। 0.25 क्या है, परिमेय संख्या है, दशमलव काटिएगा एक आएगा, दो अंक है तो 2 0 होगा, तो इस तरह से 25 × 100 काटिएगा तो 1/4 ए पी बटा क्यू के रूप में आ गया, तो ये भी तो परिमेय संख्या है ना। इस तरह से 3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको 3/1 लिख सकते हैं, -5 भी परिमेय संख्या है, इसको -5/1 लिख सकते हैं, तो इस सब परिमेय संख्या हो गया प्यारे बच्चों। अब अपरिमेय संख्या रूट दो है, रूट तीन है, रूट में 7/2 है, तो ये सब अपरिमेय संख्या हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। अभी दोनों को मिला दीजिए, खिचड़ी पका दीजिए, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दीजिए, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर खिचड़ी पका दीजिए, आपका बन गया रियल नंबर्स। क्या बन गया प्यारे बच्चों? रियल नंबर्स बन गया। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्याएं बनती हैं उसको वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इसीलिए जो भी वास्तविक संख्या होगा वह या तो परिमेय संख्याएं होगी या
अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि दोनों के मिलने से ही तो वास्तविक संख्या बनता है। नेक्स्ट टॉपिक 9, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी में बोलेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिथम। चलिए, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी है किताब में, तो जरा और अच्छे से देखिएगा। ये 10th क्लास का पहला टॉपिक आ गया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या होता है या भाग एल्गोरिथम क्या होता है? कहता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय यूनिक पूर्णांक क्यू तथा आर प्राप्त होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर पर कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, आर पर कंडीशन है, शर्त है कि आर का मान जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। आर का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर या फिर बी से छोटा रहेगा, ठीक है, इस शर्त को संतुष्ट करना चाहिए। यानी कि आप ए और बी दो को धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, जिसमें मान लीजिए कि आपका ए बी से बड़ा है, बी से आप भाग दे दीजिए ए में, तो आपको क्यू और आर दो को और संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी दो संख्या लेकर चलिए, भाग दीजिए तो दो संख्या आपको और प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर कैगो संख्या हो जाएगा? चार गो, ए बी क्यू आर। इसमें इस संबंध में कैगो संख्या है? चार गो, ए बी क्यू आर, चार गो। चलिए, इन चारों का मैथमेटिक्स में नाम क्या है जरा उसको हम लोग जानेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो ये ए जो है इसको भाज्य कहा जाता है, डिविडेंड। ये बी जो है उसको भाजक बोलते हैं, डिविजर। और क्यू जो है उसको भागफल बोलते हैं, कोसेंट। और आर जो है उसको शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। और बचपन में इसी को सर जी पढ़ाते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी इस फॉर्मूला के जरिए आप भाग जो देते हैं उसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि आपका डिवाइड किया हुआ सही है या नहीं है। चलिए, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यूक्लिड के विभाजन प्रमेय को अच्छा से समझिए, कुछ नहीं है, भाग देना है। देखिए, ए बराबर आप कोई संख्या ले लीजिए 12, और बी जो संख्या लेना है ना इससे छोटा संख्या लेना है, क्योंकि बी से आपको भाग देना है। देखिए, यहाँ पर बी क्या है? भाजक। और ए क्या है? भाज्य। तो भाजक हमेशा आपको छोटा ही लेना है, ठीक है बुआ? तो चलिए, 12 से छोटा कोई संख्या आप ले लीजिए, तो 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शर्त है कि ए आपका हमेशा बी से बड़ा ही लेना है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका में बराबर भी हो सकता है। चलिए, तो अब हम लोग बी से, बी तो भाजक है, तो बी यानी 5 से हम लोग 12 को भाग देते हैं बुआ। तो 5 दुनी का 10, 12 में से 10 घट गया तो 2, अब तो भाग लगेगा नहीं और लगाना भी नहीं है। तो अब आपका भाज्य कितना है? भाज्य है आपका 12। चलिए, भाजक कितना है आपका जिससे कि भाग देते हैं? 5 से भाग देते हैं तो भाजक हो गया। 2 आया है भागफल, भागफल आपका 2 आया है, और नीचे 2 शेषफल भी 2 आया है, शेषफल ये भी आपका कितना है? 2। अब चेक कर लीजिए, आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर है, उसी को यहाँ लिखा गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर का मान बी से छोटा रहेगा गारंटी के साथ, और जीरो से बड़ भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है। सबका केस है, डिपेंड करता है एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12 बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 5 गुना 2 प्लस शेषफल। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 5 दुना कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 12 आ गया, इसका मतलब भाग दिया हुआ सही है। तो यही जो है फॉर्मूला आपका यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम कहलाता है या फिर विभाजन प्रमेय का कहलाता है। इसमें ए और बी दो संख्या अगर मालूम रहेगा तो हम क्यू और आर दो संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आर का जो मान है, अभी अभी आर का मान कितना आया था देख लीजिए, अभी आर का मान कितना आया था, शेषफल को आर कहते हैं, ये आर हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्यू है। तो देखिए, आर का वैल्यू कितना है? 2 है।
तो R का वैल्यू 2 है। अब R का जो वैल्यू 2 आया तो यहाँ पर देखिए B से कम है कि नहीं, क्योंकि B का वैल्यू आपका कितना था, 5 था, तो R का वैल्यू 2 आया तो B से कम आया कि नहीं आया, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और जीरो से बड़ा है कि नहीं, 2 तो जीरो से बड़ा है, कभी कभी जीरो के बराबर भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए जीरो के बराबर कब आएगा, जब पूरा पूरा विभाजित होने वाला संख्या ले लीजिए, जैसे आप a बराबर 20 ले लीजिए और b बराबर आप 4 ले लीजिए, अब आप 4 से 20 में भाग दीजिएगा तो 4 पचे 20 और यहाँ शेष जीरो आ गया, तो यहाँ पे r का वैल्यू जीरो भी हो सकता है। तो r का मान जीरो होगा और नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर b होता है, यहाँ पर a होता है, यहाँ पर q होता है और यहाँ पे R होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। B से भाग देते हैं A में, Q भागफल आता है, R शेषफल आता है, चारों में संबंध क्या होता है, तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी फॉर्मूला को कहा गया है प्यारे बच्चों यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग करके हम लोग दो संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। कहाँ इसका प्रयोग करेंगे बुआ, यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, दो संख्याओं का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम निकालने में, मौसक ज्ञात करने में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये टॉपिक नंबर 10 है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अंग्रेजी में नाम है बुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अथवा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसका परिभाषा, बच्चे लोग महत्तम निकाल लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें अगर पूछ दिया जाए कि महत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो 80% बच्चे अटक जाते हैं। तो आप लोग एक बेहतरीन विद्यार्थी बनिए, आप ये जानिए कि आखिर की महत्तम समापवर्तक हम निकाल तो लेते हैं, बचपन से ही निकाल लेते हैं, लेकिन क्या हम इसका परिभाषा दे सकते हैं। तो एक अच्छा विद्यार्थी बनिए। तो देखिए इसका परिभाषा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का महत्तम समापवर्तक वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है, ए और बी दोनों को विभाजित करता है। बड़ा से बड़ा भी होना चाहिए, पकड़िएगा बात, बड़ा से बड़ा और ए और बी दोनों को विभाजित करता है। जैसे 16 और 24 का HCF क्या लिखा गया है, 8, यानी 8 बड़ा से बड़ा संख्या है जो 16 को भी काट देता है और 24 को भी काट देता है। नहीं समझे, चलिए हम समझाते हैं। 8, 16 और 24 का मौसा कितना लिखा हुआ है, 8। देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, 16 तथा 24 का मौसा कितना लिखा है बुआ सा, 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब 8 बड़ी से बड़ी संख्या है। 8 क्या है, परिभाषा के हिसाब से चलिए, 8 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 को भी विभाजित कर देगा, भाग देके देख लो, 8 × 16 शेषफल जीरो आ गया। आप 8 से 24 को भी भाग दे लो, 8 × 3 = 24, यहाँ भी जीरो आ गया। तो जो परिभाषा में बात लिखा गया है वो 100% सेटिस्फाइड है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका किसका, 16 का और 24 का, तो हम लोग लिखेंगे 8, ठीक है, क्योंकि 8 से बड़ा संख्या आप बता ही नहीं सकते हैं। 8 से बड़ा आप संख्या हमें बता ही नहीं सकते हैं जो एक साथ 16 को भी काट दे और 24 को भी काट दे, आप बता ही नहीं सकते हैं। अगर आप 12 कहते हैं तो 12 24 को काटेगा लेकिन फिर 16 को नहीं काट पाएगा, जबकि परिभाषा में कहा गया है कि दोनों को पूरा पूरा विभाजित करना चाहिए, यह संख्या बड़ा से बड़ा होना चाहिए और दोनों को पूरा पूरा विभाजित करना चाहिए। तो 8 से बड़ा कोई संख्या इस दुनिया में है ही नहीं जो 16 और 24 दोनों को काट सके, इसीलिए 16 तथा 24 का जो मौसम है वह जब होगा तो 8 होगा। ऐसे बचपन में आपको सर जी सिखाए होंगे कि बउआ रे 16 से 24 में भाग दो, 16 एकम 16, 24 में 16 घट गया था 8, 8 को घेर के 16 उतार दो, बउआ रे 8 × 16 शेष 0, कैसे, तो 8 से, तो मौसा बराबर 8। ये तरीका आप लोग सीखे होंगे बचपन में, इसको विभाजन विधि कहते हैं या भाग विधि कहते हैं।
चलिए तो महत्तम समापवर्तक का मतलब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा मसा ए और बी का मसा वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो ए और बी दोनों को पूरा पूरा क्या करता है, विभाजित करता है। कुछ स्पेशल नोट भी है आपके लिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक पी और उसके जोड़े एक आ जाए तब उसका अगर एच सी एफ निकालना हो तो आंख मूंद के एक आंसर। जैसे 50 और एक का एच सी एफ एक, 70 और एक का एक, 19 और एक का एक, यानी किसी भी संख्या के जोड़े अगर एक आ जाए तब उसका एच सी एफ निकालना है तो आप आंख मूंद के एक में ही टिक मारिएगा। एच सी एफ पी कॉमा पी, दो संख्या अगर सेम है 10-10 का एच सी एफ 10, 20-20 का एच सी एफ 20, 50-50 का एच सी एफ 50, यानी पी पी मतलब क्या, दोनों संख्या सेम रहना चाहिए। और एच सी एफ पी कॉमा जीरो, किसी संख्या के साथ अगर जीरो दे दिया जाए और उसका एच सी एफ निकालने के लिए कहा जाए तो आपका जीरो छोड़ के जो संख्या बच जाए वही आंसर हो जाएगा। जैसे कोई पूछता है कि 40 और जीरो का एच सी एफ क्या होगा, तो आंसर है 40। 50 और जीरो का एच सी एफ क्या होगा, आंसर है 50। तो ये एच सी एफ से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बात था। अब है लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, मल्टीपुल लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। चलिए तो जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। बच्चे लसक निकाल तो लेते हैं लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि लसक किसे कहते हैं तो बहुत से बच्चों का मुंह बंद हो जाता है। तो आपका मुंह बंद नहीं होना चाहिए, आप सिस्टमेटिक जानिए किसी चीज़ को। आप रियल नंबर पढ़े हैं तो लसा मसा का डेफिनेशन भी आपको जानना जरूरी है। ये ना सोचिए कि लसा निकाल लिए हो गया बात खत्म, मसा निकाल लिए हो गया बात खत्म। बात खत्म मत करो, किसी भी चीज़ को गहराई से जानो, डीपली जानो, आप नॉलेज का स्तर को अच्छा रखो। चलो तो परिभाषा है लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा यानी कि एलसीएम, वह छोटी से छोटी, देखिए इसमें छोटी से छोटी संख्या का प्रयोग किया गया है और उसमें बड़ी से बड़ी, ध्यान रखिएगा। तो छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे 3650 का एलसीएम लिखा हुआ है 900, यानी कि 900 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 36 से भी पूरा पूरा कटेगा और 50 से भी पूरा पूरा कटेगा। प्यारे बच्चों आपको भाग देने आता है, आप लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, टेंथ में पढ़ते हैं तो या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप 36 से 900 में भाग दे दीजिएगा, गारंटी है कट जाएगा, शेष जीरो आएगा। और 50 से भी भाग दीजिएगा तो 900 पूरा पूरा कट जाएगा। यह सबसे छोटी संख्या है 900 जो एक साथ 36 से भी कटता है और 50 से भी कटता है। अब इसके आगे जाइएगा तो 1800 भी 36 और 50 दोनों से कट जाएगा, 3600 भी कर जाएगा, 7200 भी कर जाएगा। तो ऐसा बहुत संख्या आपको मिलेगा 900 के अलावे जो 36 और 50 से कटेगा, लेकिन सबसे छोट संख्या इस दुनिया में अगर आपको मिलेगा तो 900 है जो 36 और 50 दोनों से एक साथ कटता है। इसीलिए 900 को हम 36 और 50 का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। यह आपका लसा का मतलब मैंने समझाया। टॉपिक नंबर 12, दो धन पूर्णांकों ए तथा बी के लिए एलसीएम ए कॉमा बी गुना एच सी एफ ए कॉमा बी बराबर ए गुना बी। अभी इस फॉर्मूला को मैं प्रूफ करके आपको बताने जा रहा हूं। अगर दो गो धन पूर्णांक आपके पास ए और बी है, उसका आप एलसीएम निकालिए, उसका आप एच सी एफ निकालिए, उसको गुना कर दीजिए या दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, रिजल्ट बराबर होगा। आप ए और बी कोई दो गो संख्या चूज कर सकते हैं अपना मर्जी से। फिलहाल मैं यहाँ पर ए का मान ले लेता हूँ 10, छोटा छोटा संख्या मैं लेकर आपको प्रूफ कर देता हूं, और B का मान मैं ले लेता हूं 15। ठीक है, चलिए अब 10 15 का LCM तो निकाल लीजिए। 10 15 का LCM बचपन में सीखे थे वही विधि है। 10 15 कैसे लगेगा, 5 से लगेगा बुआ, 5 दुना 10 5 तिया 15, गुना कर दीजिए यहां से यहां तक, 5 गुना 2 गुना 3 यही हो गया LCM, 5 दूनी 10 तिहाई का 30। अब जरा इसका एच सी एफ भी निकाल लीजिए, है ना। तो 10 से 15 में भाग दे दीजिए तो 10 एकम 10, 15 में से 10 घट गया 5, 5 को घेरिए 10 उतारिए इधर और 5 दूनी का 10 कट गया है जीरो शेष, इसका एच सी एफ आ गया है 5। इसका एच सी एफ कितना आ गया है बुआ, 5, ये हो गया। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है,
यहाँ पे आपका मैं लिख रहा हूँ LCM आया 10, 15 का 30, HCF आया 5, ठीक है बुआ, निकाल कर बताया अभी मैंने आपको। अब आपका फार्मूला कहता है, फार्मूला कहता है कि LCM A कॉमा बी गुना HCF A कॉमा बी बराबर A गुना बी, यानी दो गो धनात्मक पूर्णांक A और B कुछ भी ले लीजिए, दो गो धनात्मक पूर्णांक A तथा B कुछ भी ले लीजिए, उसका LCM निकालिए, उसका HCF निकालिए, दोनों को गुना कीजिए और दोनों संख्या को भी गुना कीजिए, रिजल्ट सेम हो जाएगा। तो आपने संख्या क्या लिया था 10 तथा 15, उसका LCM आ चुका है 30 और HCF 5। अब सवाल है कि हमें LCM में HCF से गुना करना है, तो 30 × 5 = 150 हो गया। अब दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, तो 10 और 15 को भी गुना कीजिए, तो 10 × 15 तो 15 × 150। देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। इसीलिए आज के बाद याद रखिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए LCM A कॉमा बी यानी लॉस A कॉमा बी गुना मॉस A कॉमा बी बराबर A गुना बी, ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रियल नंबर में बहुत सा टॉपिक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला टॉपिक नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 13 में आ जाइए बुआ, प्राइम नंबर्स, इसको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। किसको बोलेंगे अभाज्य संख्या? किसी धन पूर्णांक A को अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहा जाता है यदि यह केवल एक से तथा A से विभाज्य हो, यानी कि संख्या एक से कटेगा न तो अपने आप से कटेगा, तीसरा किसी से नहीं कटना चाहिए, तो उसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर, हिंदी में अभाज्य संख्या या रूट संख्या भी कहते हैं। जैसे देखिए बहुत सा एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 2 से कटेगा न तो 1 से कटेगा, तीसरा किसी से नहीं, 3 3 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, इसलिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 5 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, इसीलिए 5 भी अभाज्य संख्या है। इस तरह से सबके बारे में आप विचार कर लीजिएगा, ये सब अभाज्य संख्या लिखा हुआ है। अगला है कंपोजिट नंबर्स, यौगिक संख्याएं, इसका परिभाषा लीजिए, वह धनात्मक पूर्णांक जो अभाज्य संख्या नहीं है उसको यौगिक संख्या कहा जाएगा, जो अभाज्य संख्या नहीं है तो यौगिक संख्या है, अभाज्य संख्या 2 गो से कटता है, जो यौगिक संख्या होगा 2 गो से ज्यादा से कटेगा, चाहे वो 3 गो से कटेगा, चाहे 4 गो से कटेगा, चाहे 5 गो से कटेगा, लेकिन 2 से अधिक उसके गुणनखंड होंगे, जैसे 10। अब 10 कथी कथी से कटेगा सोचिए, बताइए 10 कथी कथी से कटेगा, बोलिए 10 कथी कथी से कटेगा। यहाँ पे 10 है, 10 एक से कट जाएगा, 1 दहाई 10, 2 5 10, 5 2 10, 10 एकम 10, कै गो संख्या से कटा बुआ? 4 गो से, तो 2 गो से कटता है, जे 2 गो से कटता है वो अभाज्य संख्या, आ 2 से अधिक से कटता है, 2 से अधिक से कटता है तो यौगिक संख्या, बस, चाहे 3 गो से कटे, चाहे 4 गो से कटे, चाहे 5 गो से कटे, समझ में आया? 15 कथी कथी से कटेगा, सोच लो 1 से 3 से 5 से 15 से, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर होगी, तो समझ गए। उसके बाद 15 नंबर टॉपिक में आइए, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, को प्राइम्स। दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी को एक दूसरे का सह अभाज्य कहा जाता है यदि HCF A कॉमा बी बराबर 1, यानी 2 गो संख्या आपके पास धनात्मक होना चाहिए, उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तब उसको सह अभाज्य संख्या कहा जाएगा। जैसे 16 तथा 9 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 16 और 9 का HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए निकाल के बताते हैं 16 9 का HCF, 16 तथा 9, चलिए 9 से 16 तथा 9 ले लिया, 9 से 16 को भाग दीजिए तो 9 × 18 ज़्यादा हो रहा है, 9 एकम 9, तो 16 में से 9 घट गया है तो 7, 7 को घेर के 9 उतारिए, 7 × 14 ज़्यादा हो रहा है, 7 एकम 7, 9 में से 7 घट गया तो 2 को घेर के 7 उतारिए, 2 × 3 = 6, 7 में 6 घट गया 1, 1 को घेर के 2 उतारिए, 1 × 2 = 2, शेष 0 आ गया। तब तक भाग देते रहिए जब तक शेष 0 ना हो जाए, तो लास्ट भाजक 1 है, यही हो गया HCF, ठीक है 1। तो जब दो संख्या का HCF 1 आ जाए ना बुआ, तो उसको ना को प्राइम्स या सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग, 16 नंबर टॉपिक दिखाते हैं आप लोगों को। टॉपिक नंबर 16, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या है
प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर, क्रम को छोड़कर। चलिए क्या हुआ भाई, कहा कि प्रत्येक यौगिक संख्या, दुनिया में जितना यौगिक संख्या है, अभी अभी यौगिक संख्या का चर्चा किए हैं, जो तीन गो से कटे चाहे तीन गो से ज़्यादा से कटे यौगिक संख्या कहलाता है। तो दुनिया में जितना यौगिक संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अगर आप व्यक्त कीजिएगा तो एक और केवल एक गो तरीका होगा, दो गो तरीका नहीं होगा। जैसे 210 को क्या लिखे हैं, 2 × 3 × 5 × 7, इससे ज़्यादा कोई नहीं लिख सकता है। देखिए कैसे आया, इसको यहाँ समझ लीजिए। जैसे 210 एक यौगिक संख्या है बउआ, तो 2 से भाग लगेगा, इसमें 105 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 35 × 105, अब 5 से लगेगा, 5 × 35, तो आपको प्राप्त हुआ 210 बराबर 2 × 3 × 5 × 7। इसमें 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, यानी किसी भी यौगिक संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दुनिया में उसका तरीका एक को बना है। अब कोई टीचर ये लिख देंगे कि 7 × 3 × 5 × 2, फिर भी तो बात बराबर है, फिर भी तो बात बराबर है, इसका वैल्यू भी आ जाएगा 210। ठीक है, ये भी 210 आ जाएगा, लेकिन इससे तो कोई मतलब नहीं है। अभाज्य संख्या तो आप वही ले रहे हैं जो मैंने लिया है 2, 3, 5, 7, यहाँ भी तो 2, 3, 5, 7 का ही प्रयोग किया गया है, तो आप कोई दूसरा नंबर ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्रम, इसीलिए तो लिखा है क्रम को छोड़कर। अब क्रम 7 लास्ट में है, 7 शुरू में कर दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, संख्या वही रहेगा। ठीक है, तो दुनिया में एक ही तरीका है। आगे बढ़ते हैं, मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट बात जानेंगे। एक न तो अभाज्य संख्या है बउआ, न ही यौगिक संख्या है, क्योंकि एक के सिर्फ एक गुणनखंड है, एक तो मात्र एक ही से करता है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होना चाहिए और यौगिक संख्या होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। अब एक के पास तो मात्र एक गुणनखंड है कि एक सिर्फ एक ही से करता है, इसीलिए साबित करके मैंने बता दिया कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही एक यौगिक संख्या है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। 0 न तो धन पूर्णांक में शामिल किया गया है और न ही ऋण पूर्णांक में। 0 के दाहिना तरफ वाला पूर्णांक धन पूर्णांक और 0 के बायां तरफ वाला पूर्णांक ऋण पूर्णांक। और 0 न तो धन पूर्णांक न ही ऋण पूर्णांक। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 19 नंबर टॉपिक, जिस परिमेय संख्या को पी बटा 2 × m × 5 × n के रूप में, जब वो परिमेय संख्या सरलतम रूप में हो, अगर p/2 × m × 5 × n के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा गारंटी के साथ बिना भाग दिए हुए, जहां m और n का मान 0 हो सकता है, 1, 2, 3, यानी पूर्ण संख्या हो सकता है। चलिए इसको मैं प्रूफ करके बताता हूं, इस पर ही बहुत सारे किताब में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए अंश से तो कोई मतलब नहीं है, हर जो है बाटा के नीचे वह 2 का घात या 5 का घात आना चाहिए, सिर्फ 2 का भी घात हो सकता है, सिर्फ 5 का भी घात हो सकता है, या 2 और 5 दोनों का घात हो सकता है। घात के रूप में 0, 1, 2 माने निगेटिव घात नहीं होना चाहिए, बाटा वाला नहीं होना चाहिए, बस यही सब होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाकर गारंटी के साथ वो क्या हो जाएगा, शांत होगा, यानी कि पूरा पूरा कटने वाला। अब देखिए उदाहरण दिखाते हैं आपको हम, देखिए अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपसे किसी ने कहा 713/25, यह शांत है कि अशांत, जल्दी बताओ। कोई आपसे पूछ दिया शांत कि अशांत आवर्ती, शांत है या अशांत आवर्ती, तो अब तो आपको भाग देना पड़ेगा। अब भाई भाग देने में तो समय लगता है और परीक्षा में आपके पास टाइम कम होता है, तो चलिए हम ट्रिक से निकालते हैं। इस 25 को हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, 5 × 5, इसका मतलब 5 का पावर 2 आ रहा है, तो अब आप लिख दीजिए शांत। अब किसी को ना बिलीव होगा तो अब भाग दे के अपना चेक करें भाई, माना थोड़े ना है, भाग दे के चेक कर लो, बात खत्म, ये शांत होगा। किसी ने आपसे पूछा 179/8, यह शांत होगा कि अशांत, गौर कीजिएगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती,
तो प्यारे बच्चों अब आपके पास ऑप्शन है कि 8 से 179 को भाग दीजिए, भाग दिला के बाद अगर कट जाएगा तो शांत, न कटेगा तो अशांत। तो ये तो लंबा प्रक्रिया है भाई, भाग देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बिना भाग दिए हुए आंसर दे दें तो बस 8 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4 × 8, तो 2 का पावर 3 आ रहा है, बस 2 का पावर आ रहा है। तो आप लिख दीजिए शांत, गारंटी के साथ अगर 8 से आप 179 को भाग दीजिएगा तो कटेगा ही कटेगा, पक्का, गारंटी पक्का। अच्छा, अब मान लीजिए एक और उदाहरण है हमारे पास, 543/10। अब ये शांत होगा कि अशांत आवर्ती क्या होगा, यह शांत या अशांत आवर्ती क्या है ये चेक करके आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो अब 10 को आप क्या करिएगा, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिएगा। तो लिख सकते हैं 10 को 2 × 5, तो चलिए 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो यह भी गारंटी के साथ शांत ही होगा, यानी यह पूरा कट ही जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 13/7, तो बटा में तो 7 आ रहा है, इसको 7 को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ही लिख सकते हैं। तो अब 7 से अगर 13 में आप भाग दीजिएगा कभी नहीं कटेगा, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। तो बिना भाग दिए हुए आप चेक कर सकते हैं, बटा के नीचे 2 का घात आ जाए, 5 का घात आ जाए, ठीक है, या 2 तथा 5 दोनों का घात आ जाए, तब तो शांत होगा, ठीक है। 2 का पावर आ जाए, 5 का पावर आ जाए, सिर्फ 2 का पावर रहे, सिर्फ 5 का पावर रहे, इस स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अगला लास्ट टॉपिक, 20 नंबर टॉपिक, परिमेय संख्याएं जिसे p/2m × 5m के रूप में नहीं लाया जा सके, जहां mn 0 1 2 3 .. तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा, इसका चर्चा अभी मैंने कर ही दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए साफ सुथरा अक्षर में, और इसका फेयर कर लीजिए, और उसके बाद इसका फेयर दिमाग में कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको रियल नंबर के बारे में जो ये 20 टॉपिक बताया गया वो आपको एग्जाम में भी काम देगा और वास्तविक ज़िंदगी में भी काम देगा। अगर आप मैथ्स के एक अच्छा स्टूडेंट्स कहलाना चाहते हैं तो आपके पास रियल नंबर से जुड़ा हुआ टोटल 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 20 का 20 टॉपिक है जो आपको ओठों पे होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, तब आप एक बेहतर नहीं बेहतरीन विद्यार्थी माने जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को देखने के बाद एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखें। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, यानी कि सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह का नॉलेज वाला वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं, और YouTube पर एक्टिव भी रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो पर भी एक्टिव रहते हैं, तो आप हमारे शॉर्ट्स को भी जाके देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारे वीडियो से किसी भी विद्यार्थी का ज़िंदगी बनता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। थैंक यू सो मच। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।